नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण जिले के छौरादानो प्रखंड क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति का शव मिला है। पकड़िया से मरहिया के बीच पुल के नजदीक शव को खेत में फेंके जाने की खबर मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। हालांकि प्रशासन अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया है। मृतक के गले में कटे का निशान है। स्थानीय लोग गला काट कर हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम नूरुद्दीन है, जो स्थानीय पुरुषोत्तमपुर निवासी महरूम चांद का बेटा बताया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, छौरादानो थाना क्षेत्र के एक युवक की हत्या हो गई है। यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बावजूद आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस तरह की घटनाओं के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। अभी घटनास्थल पर काफी भीड़ लगी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने प्रशासन को सूचना दे दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के 2-3 घंटा बीत जाने के बाद घटनास्थल पर प्रशासन या पुलिस नहीं पहुंच सकी है। मृतक जींस और ब्लैक शर्ट पहना हुआ है और गले पर कटे का निशान है और खून के धब्बे दिख रहे हैं। आपको बता दें, पूरा मामला छौरादानो प्रखंड क्षेत्र के सिमरहिया पकड़िया के बीच पुल के समीप की है। यहां शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा है। मृतक के गले पर काटे जाने का निशान है। प्रत्यक्षदर्शी गला रेत कर हत्या किए जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब भी लोग प्रशासन के आने का इंतजार कर रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के चाचा ने शव की पहचान की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।